आपके फोन से आपके पर्सनल फोटोज वीडियो इंटरनेट पर लीक हो रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं लग रही है। आप अपने मोबाइल में कुछ नहीं करते हैं, अपने फोटो वीडियो को सिक्योर लॉक में रखे हुए हैं, इसके बाद भी आपके फोटो वीडियो लीक हो रहा है और आपको नहीं मालूम कि कैसे हो रहा है। ये आपकी ही एक छोटी सी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि लोगों को खुद नहीं पता चल पाता है कि उनके पर्सनल फोटो वीडियो इंटरनेट पर लीक हो चुके हैं, जब तक कि कोई उनका परिचित या उनका रिश्तेदार या वो खुद नहीं देख लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके पर्सनल फोटो वीडियो बिना कुछ के आपके फोन से लीक हो रहा है इंटरनेट पर एप्लीकेशन के जरिए। यहाँ पर आप प्ले स्टोर से जो भी एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, आप ये नहीं देखते हैं कि वो एप्लीकेशन आपसे कौन कौन से परमिशन मांग रहा है। आप अपने प्ले स्टोर से फ्री में अवेलेबल तरह तरह के ऐप्स हैं जिन्हें आप डाउनलोड कर लेते हैं बिना सोचे समझे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मैं यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। मान लीजिए ये टिकटॉक करके है, जो इस समय इंडिया में टिकटॉक की बीमारी कुछ ज्यादा ही फैल गई है। तो टिकटॉक को मैं ओपन करता हूँ, तो कोई भी एप्लीकेशन जब आप अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो आप जो है डाउनलोड या इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पर देखिए रीड मोर करके लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर सबसे नीचे ऐप परमिशन करके लिखा हुआ है और यहाँ पर सी मोर करके लिखा हुआ है, आपको सी मोर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए पहला है कैमरा, दूसरा कॉन्टैक्ट, तीसरा माइक्रोफोन, चौथा स्टोरेज और उसके बाद ये अदर है इतना। अब इसका मतलब है कि ये जो टिकटॉक एप्लीकेशन है, अगर आप इसे अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करते हैं, ये आपके कैमरे को, कॉन्टैक्ट को, आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आपका माइक्रोफोन, रिकॉर्ड ऑडियो और स्टोरेज मतलब आपका मेमोरी कार्ड और इंटरनल स्टोरेज, इसके बाद ये जो यहाँ पर अदर में दिया हुआ है, ये सभी आपका जो है परमिशन वो लेगा यूज करने के लिए। मतलब कि आपके मेमोरी कार्ड में मौजूद जो भी चीजें हैं वो सभी ये आपका एक्सेस कर सकता है। ठीक इसी तरह से आप जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आप उसे देखिए कि वो आपसे क्या क्या परमिशन मांग रहा है। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और अलाउ करते जाते हैं। जब वो परमिशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जब वो अलाउ करता है, परमिशन मांगता है, लोग अलाउ कर देते हैं और लोग ध्यान नहीं देते हैं कि उनके इस अलाउ करने से आपके फोन का जो एक्सेस है वो रिमोटली उनके पास पहुंच जाता है। वो वहां पर बैठे बैठे आपके फोन के जो परमिशन वो मांगे रहते हैं, अगर वो आपका फोन फोन कॉन्टैक्ट, कैमरा या आपका मेमोरी कार्ड या आपका गूगल ड्राइव, जो भी परमिशन वो मांगते हैं, अगर आप उन्हें अलाउ किए हैं, तो वो दूर बैठे आपके इन सभी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें जो आपका डेटा मौजूद है, जो पर्सनल फोटो वीडियो आपका जो उसमें है, वो सभी वो वहां से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके फोन में आप चाहें उसे सिक्योर रखें या किसी को न दें, आप ये सोचेंगे कि आपका फोन आपके पास है, कोई यूज नहीं करता है, तो आपके पर्सनल फोटो वीडियो सेफ रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सेफ बिल्कुल नहीं है। आप जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय ध्यान दीजिएगा कि वो एप्लीकेशन आपसे क्या क्या परमिशन मांग रहा है, इसके बाद ही आप वही परमिशन दीजिए, बाकी को मत दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा परमिशन आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं। आप अपने फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ पर देखिए एप्स करके लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप जिस एप्लीकेशन का ये चेक करना चाहते हैं कि वो क्या क्या आपसे परमिशन लिया हुआ है, तो जैसे ये डेली हंट करके है, आप इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए परमिशन करके लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर डेली हंट में आपका लोकेशन, आपका फोन और स्टोरेज तीन परमिशन आपसे मांगा है, लेकिन इसमें लोकेशन सिर्फ मैंने दिया हुआ है, फोन और स्टोरेज इन दोनों को मैंने नहीं दिया हुआ है। मतलब कि डेली हंट मेरा लोकेशन ट्रेस कर सकता है,
बाकी मेरा कुछ नहीं कर सकता है। अगर मैं फोन को ऑन कर दूं इस तरीके से और स्टोरेज को, तो अब जो है डेली हैंड मेरे फोन नंबर, फोन कॉन्टेक्ट, किसका फोन आ रहा है जा रहा है, वो सभी वो वहां से मेरा देख सकता है। और अगर स्टोरेज पे मैंने किया हुआ है तो मेरे मेमोरी कार्ड, इंटरनल स्टोरेज, इन दोनों को वहां से बैठे चेक कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है उसमें से जो जो भी हमारे मेमोरी कार्ड या इंटरनल स्टोरेज में मौजूद है डेटा। मैंने जो है इसको सिर्फ दो ही दिया हुआ है और डेली हंट को सिर्फ दो ही की जरूरत है, सिर्फ लोकेशन ही लेता है वो। तो इस तरह से आप अपने फोन के एप्लीकेशन को चेक कर लीजिए, जो भी परमिशन आप देना चाहें वही दीजिए, बाकी मत दीजिए। तो इस तरह से आप जो है अपने पर्सनल डेटा को अपने फोन से सेव कर सकते हैं, उसे इंटरनेट पर लीक होने से बचा सकते हैं।